बुलावे तुझे यारी आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग नया लग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस सुख तो हो तो मैं हूँ और कोई ना, तो मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के, जिसे मेरा ये जी नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राहत जिसे मेरी चाहत जिसे मुझे बस यही रह जाना, लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, तेरे दिन पल भी बरस लगते, बुला ले तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, जो हो तू शुगा वो ठीक है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, उसने अगर मैं उसके साथ होता तो ये सब नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं उसके साथ होता ये सब नहीं होता। स्कूल में उसका लास्ट डे होता है। हैप्पी फेयरवेल, बाद में मिलते हैं, ओके? मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे इतने। चलो सेल्फी लेते हैं। तो अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करके शुगा को कॉल करती है। हेलो भाई, कहाँ तुम? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। बेबी आई एम रियली सॉरी, मुझे कोई जरूरी काम है। हाँ फिर आज मुझे कौन पिक करने आएगा? You are my lovely, cute, beautiful baby sister, right? मैंने already driver को call कर दिया, वो आता ही होगा। So थोड़ा सा wait करो। Okay तो baby? Okay, तो मेरे लिए आप chocolate लेकर आना। Okay deal. Bye. ये driver कहाँ रह गया? तूने देखा नहीं था कि कोई उसे बहुत time से सिर्फ घूरे जा रहा है। ते? हाँ कौन हो तुम? मैं तुम्हारा senior हूँ, तुम मुझे नहीं जानती? नहीं, आउच, बट इट्स ओके, मैं हूँ बोगम। ओह नाइस टू मीट यू। क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ मैं अपनी कार का वेट कर रही हूँ। ओके इफ यू डोंट माइंड, क्या हम सेल्फी ले सकते हैं? हाँ क्यों, आज लास्ट डे है सो प्लीज। ओके थैंक यू, इट्स ओके। सच में तुम बहुत बेवकूफ होते। बोगम ते को लेकर वहां से चला जाता है, ते का बैग और फोन वहीं पे गिर जाते हैं। कुछ मिनट बाद ड्राइवर वहां पहुंचता है, वो देखता है कि ते का फोन और बैग वहीं पे पड़ा, बट वहां पर ते नहीं थी। सो ड्राइवर नामजुन और उसके जैद के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। क्या ये सब कैसे हो गया? नामजुन शुगा और जंगकुक को कॉल करके बुलाओ यहां पे। क्या हुआ डैड? डैड, भाई क्या कर रहे हो अब? तुम दोनों दुष्ट हो, ते किडनैप हो गई है। क्या? कैसे? नहीं डैड, मेरी बस कुछ मिनट पहले उससे बात हुई थी, रुको मैं उसे भी कॉल करता हूँ। इडियट, ये रहा उसका फोन। भाई ये तो ते का फोन है। हाँ हमारे ड्राइवर को बस यही मिला था। वो कहाँ है डैड? हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कुछ भी। गार्ड्स ने उसे पूरे शहर के हर एक कोने में हर एक जगह पे ढूंढ लिया, लेकिन वो नहीं मिली। हाँ और तुम दोनों मेरे सामने से दफा हो जाओ। डैड जीपीएस से हम उसे ढूंढ सकते हैं। क्या? हाँ डैड, मैंने ते को उसके लास्ट बर्थडे पे एक रिंग गिफ्ट की थी, उसमें जीपीएस था। मेरे पास उसका बॉक्स है, शायद उससे हमारी हेल्प हो जाए। तो फिर जल्दी करो। हाँ ये कौन सी जगह है? कहाँ हूँ मैं? कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो, हेल्प। ते खड़े होने की कोशिश करती है बट गिर जाती है, बिकॉज़ ते के पैर आयरन की चैन बोल्ट से बंधे हुए होते हैं। डैड हो रहा है अंकल, डैड क्या हुआ? ते को डर लग रहा है। सडनली ते किसी के रोने की आवाज सुनती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो। ते
बाहर देखती है कि क्या हो रहा है। छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। दिस शिट, बेहोश हो गई। हे यू, वेक अप यू यूज़लेस मास्टर। आई थिंक ये क्या, ये मर गई है। सीरियसली हाँ, इसे बाहर लेकर जाओ, यूज़लेस थिंग। ओके मास्टर। गार्ड उस लड़की को बाहर ले जाते हैं, तो सब कुछ देख लेती है। जल्दी आओ गर, प्लीज जल्दी आओ। हे क्या तुम ठीक हो? हे शुश, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, उसने मुझे भी किडनैप किया है। वो ये सब क्यों कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो साइको है, उसने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप कर रखा है, उनको किडनैप करके उनका रेप करता है। ते देखती है रोज जो है हाफ नेक्ड होती है। क्या तुम ठीक हो? नहीं, बहुत पेन हो रहा है। सडनली गार्ड्स आकर दोनों के लिए ब्रेड सेट कर देते हैं, और उस ब्रेड को उठाकर खाने लगती है जैसे उसे महीनों से खाना नहीं मिला है। तो बस अपना ब्रेड होल्ड करके रखती है, रोज जल्दी से अपना ब्रेड खा लेती है। तुम्हें ये ब्रेड भी चाहिए? क्यों, तुम नहीं खाओगे इसे? नहीं, इसे तुम भी खा लो। थैंक यू। हे स्लोली स्लोली खाओ, डोंट वरी, मेरे अंकल, मेरे डैड और मेरे भाई मुझे ढूंढ लेंगे, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। ओके। तेरे उसको अपना यूनिफॉर्म कोड दे देती है। तुम बहुत अच्छी है, प्लीज मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाना। हाँ जरूर, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। देन सडनली, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? ओह माय डियर, ते तुम्हें होश आ गया? हाँ, प्लीज जाने दो मुझे। सीरियसली, तुम जान दिया, मैंने इस दिन का 3 साल से इंतजार किया है, मैंने तुम्हारा फकिंग 3 इयर्स वेट किया है। छोड़ दो मुझे, तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ? हाँ प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। आई ऑलवेज वांट टू फक यू सो बैडली, लेकिन तुम हमेशा अपनी फैमिली के आदमियों के साथ रहती थी। तुम जान दियो, आई एम वेटिंग यू सो बैडली, और देखो तुम मेरे पास हो। हाँ नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेबी, जो मैंने बहुत दिन से सोच रखा था। नहीं नहीं, जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ो। लेट्स स्टार्ट। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, नहीं नहीं, बचाओ मुझे, कोई हेल्प। नहीं आएगा तुम्हें बचाने। नाउ इट्स टाइम फॉर द मेन कोर्स। नहीं नहीं, रुक जाओ। हु इज द हेल इज दैट? अंकल, यू बास्टर्ड। देखो नेक देखकर जंगकुक का एंग्री लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, बट थैंक गॉड जंगकुक सही टाइम पे आ जाता है। बोगम को शूट करने वाला होता है, बट बोगम ते को शूट करने के लिए कहता है। ते जो है वो लाइफ लेस बॉडी की तरह बैट पे लेटी होती है। आहा, इतनी आसानी से नहीं, मैं ते को मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तो फिर अपनी गन नीचे करो राइट नाउ। अंकल, जंगकुक गन नीचे रखने वाला होता है, तभी रोज आकर बोगम को पुश कर देती है और बोगम की गन गिर जाती है। यू बास्टर्ड। जंगकुक बोगम को शूट करने वाला होता है, बट बोगम रोज को अपने सामने ले आता है, उसी मोमेंट रोज की डेथ हो जाती है। सडनली शुगा आकर बोगम के हाथ में शूट करता है, जंगकुक जल्दी से ते को बैट शीट से कवर कर देता है, वो भी दूसरे हाथ में शूट करता है। देन राइट हैंड एंड राइट लेग, आई एम लेफ्ट लेग पे शूट करता है, जिससे बोगम हाफ डेड हो गया था। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, तुमने हमारे ते को टच करने की हिम्मत कैसे किया? हम उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते जो हमारे ते की परछाई को भी टच करता है, लेकिन तुमने तो उसे छुआ है। अंकल किलिंग। नहीं, इसे मैं नहीं मारूंगा, इसे ते मारेगी। ते शूट करो इसे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, प्लीज। नहीं ते, तुम्हें सिचुएशन को फेस करना होगा। शुगा ते के हाथ में गन देकर ट्रिगर प्रेस कराता है, बोगम उसी टाइम मर जाता है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, प्लीज। उसे इंसिडेंट से ते बहुत डर गई थी, वो बाहर नहीं जाती थी और टोटली इमोशनल लैस हो गई थी, हमेशा डरती रहती थी और चुप रहती थी। सब उसे हप्पे रखने की कोशिश करते थे, बट 6 महीने बाद ते फिर से नॉर्मल हो गई थी। हम सोचते थे कि वो सब कुछ भूल गई है, लेकिन वो
वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी शुगा, मैं भी यही चाहता हूँ, वो ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। हम दोबारा वो सब तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। जिमिन हेड ब्रेक करके देखती है कि शुगा सो गया है, उसे वो प्रॉपर लिटा कर जिमिन का बोर्ड से एक सूटकेस निकाल कर मेंशन की बैक साइड में जो नदी होती है वहां ले जाती है। गॉड प्लीज इसके बारे में कभी किसी को पता मत चलने देना प्लीज। जिमिन वो सूटकेस उस नदी में फेंक देती है। मैंने जो भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, गॉड प्लीज मुझे माफ कर देना। उसी टाइम शुगा अपने रूम की विंडो से जिमिन को देख लेता है। क्या है वो? शुगा किसी को कॉल करता है, उसके बाद दोबारा बेड पे आकर लेट जाता है और उसी टाइम जिमिन भी आ जाती है। शुगा सोने का नाटक करता है। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच शुगा, आई लव यू टू बेबी मोची। फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये जिमिन की आवाज है ना? सब जिमिन के रूम में जाते हैं। मोची बेबी क्या हुआ? शुगा बेबी, हाँ मुझे बता तुम रो क्यों रही हो? शुगा प्लीज मोची मुझे बता, मुझे डर लग रहा है। मैं क्या तुम? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या सच्ची? हाँ तुम डैड बनने वाले हो। मैं डैड बनने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। तुम थैंक्स मत बोलो, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे इतनी अच्छी फैमिली और बेबी देने के लिए, हमारा बेबी देने के लिए थैंक्स। हाँ हाँ हमारा बेबी, कांग्रेचुलेशन जिमिन, थैंक यू। अब मुझे कंपनी देने वाला भी कोई मिल गया। मेरी जिमिन बेबी माँ बनने वाली है, वाह अमेजिंग। जिमिन बेबी अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, ओके? शुगा मैं भी अंकल बनने वाला हूँ, ये कांग्रेचुलेशन। मैं हमारे बच्चों को बहुत प्यार करूंगा शुगा, तुमसे भी ज्यादा। अब से तुम कोई वजन नहीं उठाओगी, ओके? हाँ मम सही कह रही है, तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। हाँ मेरी मम भी सही कह रही है, तुम सिर्फ आराम करोगी। आ शुगा ये क्या कर रहे हो तुम? सब देख रहे हैं, तो देखने दो। तो 9 months प्रेग्नेंट होती है एंड जिमिन 8.5 months प्रेग्नेंट होती है। बेबी 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 क्या है बेबी? मैं क्या क्या तुम? हाँ आई एम नीडी, तो मैं क्या करूं? वही वही सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे इतना पेशेंस रखने के लिए थैंक यू। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए मैं वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। वन मोर थिंग कि आप शायद मेरी वीडियोज नहीं देख रहे हो बिकॉज मैं क्या बोलूँ आपको, वो मैं आपको फुर्सत से बताऊंगी किसी दिन। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।